इसलिए कि देखिए मसला क्या है। आज मसला ये है, मसला नहीं मसाला हो गया है। मुकर्रर शायर से चिढ़ता है, शायर मुकर्रर से चिढ़ता है, जबकि दोनों एक ही मैदान के फैमिली है, भाई के बाहर में घर एक ही फैमिली है। लेकिन हैरत है इस बात पे, ताज्जुब है इस बात पे कि एक ही फैमिली के लोग आपस में जो है, समझ रहे हैं। अल्लाह हमें आपस में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, इसलिए कि मोहब्बत से जो काम करेंगे इंशाअल्लाह काम आसानी से और पाए तकमील तक पहुंचेगा। अल्लाह हमें एक दूसरे से उलमा और शूरा की बात नहीं है, आप लोगों की भी बात है। आप लोग भी अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मोहब्बतों के साथ रहें, मोहब्बतों के साथ रहने की कोशिश करें और मोहब्बतों से पेश आएं। मुमकिन है कि इसी मोहब्बत की वजह से अल्लाह आपकी मगफरत फरमा दे। एक मोमिन अगर दूसरे मोमिन से खुश रहता है तो ये भी अच्छी बात है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप हजरात अपनी मोहब्बतों का इजहार, जिस तरह से आपने मुझ पर निशावर किया अपनी मोहब्बतों को, उसी तरह से आप अपने आए हुए उस मेहमान खतीब, देखिए मैं उम्र में ज़रूर बड़ा हूँ लेकिन ये मनसब में मुझसे बहुत बड़े हैं। आप सोच सकते हैं कि ये आलिम दीन है, और आलिम दीन जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजर जाता है तो 40 दिन तक के लिए जो है अजाब उठा लिया जाता है कब्रों से। सोचिए कि आलिम का मर्तबा क्या है ना। तो जो आलिम दीन है उसकी मोहब्बत अपने दिलों में बसाएं, जो आलिम दीन है उसका एहतराम करें, जो आलिम दीन है उसकी इज्जत करें। इसलिए क्या सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन दे देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा चाचा चा पूरा मजमा, देने वाला है सच्चा चाचा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, नबी 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 चमन 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 च
चमन चमन की दिल कशी गुलों की है वो ताजगी है चांद जिनसे शबनमी वो कह कशाऊ वो कह कशाऊ वो कह कशा की रोशनी चमन चमन की दिल कशी गुलों की है वो ताजगी है चांद जिनसे शबनमी वो कह कशा की रोशनी फजाओं की वो रागिनी फजाओं की वो रागिनी हवाओं की वो नगमगी फजाओं की वो रागिनी हवाओं की वो नगमगी फजाओं की वो रागिनी हवाओं की वो नगमगी है कितना प्यारा नाम भी नबी 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये कलाम आप जो सुन रहे हैं कफील भाई, एक किस्सा मुझे याद आया। मैं छोटा था, मदरसे में पढ़ता था, तो असद भाई हम एक टैप रिकॉर्डर खरीद के लाए, आपके जलसे में पहुँचे साइकिलों से, टैप रिकॉर्डर खरीद के लाए, जलसे में पहुँचे, कलाम रिकॉर्ड किया नबी नबी, फिर उसको याद किया, फिर अंजुमन में पढ़ा। माशाअल्लाह आज ये कलाम सुना वो यादें ताज़ा हो गई। सुभान जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मोहतरम जनाब असद इकबाल कलकत्ता साहिब क़िबला। देखिए उम्र बहुत है असद भाई की, समझ रहे हैं, मगर हालात कुछ हालात ऐसे हैं कि असद भाई ने जब शुरू से लेकर के आखिर तक आज तक जो पढ़ा है वो इसी तौर पर पढ़ा है कि अपने फ़न का कभी सौदा नहीं होने देता, नात गोई को मैं रुस्वा नहीं होने देता, गामजन हूँ रहे मौला में जवानों की तरह, इश्क़े मौला मुझे बूढ़ा नहीं होने देता। नबी 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 जमीनो जमा तुम्हारे लिए है, 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 मकीनो मका तुम्हारे लिए है, मकीनो मका तुम्हारे लिए है, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, बने दो जहां, बने दो जहां, बने दो जहां तुम्हारे लिए है, बने दो तुम्हारे लिए है, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जमीन बनी जमाऊ बने, मकी बने मकाऊ बने, चुनी बने चुना बने, वो वजह कुन फका बने, पूरा मजमा एक आवाज होकर के कह दे सुभान अल्लाह, जमी बनी जमा बने, मकी बने मका बने, चुनी बने चुना बने, वो वजह कुन फका बने, कहा ये मैंने ये खुदा, कहा ये मैंने ए खुदा, ये किस किस सदके में बना, कहा ये मैंने ए खुदा, ये किस बना तो ग़ैब से निदा मिली, नबी 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 थकी थकी रुकी रुकी हाय 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 अल्लाह अल्लाह, इसी तरह दबी लची, हलीम अभी की ऊँटनी जो मक्के में पहुँच गई, थकी थकी रुकी रुकी किसी तरह दबी लची, हलीम अभी की ऊँटनी जो मक्के में पहुँच गई,
थकी थकी रुकी रुकी किसी तरह दबी लची हलीमा भी की उठनी जो मक्के में पहुंच गई। तो क्या हुआ थे सारे बच्चे जा चुके जगह वो अपनी पा चुके थे सारे बच्चे जा चुके जगह वो अपनी पा चुके है बचा था एक आखिरी नबी 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 मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस सरजमीन अमलाबाड़ी नौजवाना ने अमलाबाड़ी मसलक आला हजरत हजरत असद इकबाल कलकत्तवी चूँकि ये मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है बंद मुलाजा फरमाले जो सिद्ध पर नबी गए तो जिब्रील बोले ये जरा गया अगर परे तो जल पड़े ये पर मेरे वो सरबरे किश्वरे रिसालत अल्लाह 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 मोहब्बत से बोल दे सुभान सरबरे किश्वरे रिसालत वसरवरे किश्वरे रिसालत वसरवरे किश्वरे रिसालत वसरवरे किश्वरे रिसालत वसरवरे वो सरवरे वो सरवरे वो सरवरे वो सरवरे किश्वरे रिसालत वसरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जल बगर हुए थे नए निराले तदब के सामा नए निराले तदब के सामा अदब के मेहमान के लिए थे जो सिद्ध पर नबी गए तो जिब्रील बोले ये जरा गया अगर पड़े तो जल पड़े ये पर मेरे तो शहदी आगे चल पड़े वो सिद्ध से निकल पड़े शहदी नबी 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 वादी रजा की 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 के वादी रजा की को है हिमाला रजा का है जिस समत देखिए वो इलाका अब्बा का है जरा बोल दीजिए जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है अगलों ने भी लिखा है बहुत पहल में दीन पर जो कुछ है जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा पूरा मजमा वो तन्हा रजा है वो इश्क का हुसूल है वो सुन्नियत का फूल है वो ऐसा बा उसूल है के आशिक रसूल है शान किसकी है अता रजा से मैंने जब कहा ये शान किसकी है अता रजा नदी सदा यही नबी 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 मोहतरम सामईन करम मैंने अहकाम की तामील की अल्लाह आपकी समातों को कबूल फरमाए आमीन कह दें आप हज़रात अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और बिलखसूस हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इम्तियाज़
साहब की बिला बरकाती की, उम्र में अल्लाह वे पनाह बरकत अता फरमाए। बोल दीजिए भाई हमें, इनका साया तादेर गुरबाए अहले सुन्नत पे तादेर कायम दायम रखे। इसलिए कि देखिए मसला क्या है, आज मसला ये है, मसला नहीं मसाला हो गया है। मुकर्रर शायर से चिढ़ता, शायर मुकर्रर से चिढ़ता, जबकि दोनों एक ही मैदान के फैमिली हैं, भाई के बाहर में घर एक ही फैमिली है। लेकिन हैरत है इस बात पे, ताज्जुब है इस बात पे कि एक ही फैमिली के लोग आपस में जो है, समझ रहे हैं। अल्लाह हमें आपस में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि मोहब्बत से जो काम करेंगे इंशाअल्लाह तकमील तक पहुंचेगा। अल्लाह हमें एक दूसरे से मोहब्बत, सिर्फ उलमा और शोरा की बात नहीं है, आप लोगों की भी बात है। आप लोग भी अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मोहब्बतों के साथ रहें, मोहब्बतों के साथ रहने की कोशिश करें और मोहब्बतों से पेश आएं। मुमकिन है कि इसी मोहब्बत की वजह से अल्लाह आपकी मगफरत फरमा दे। एक मोमिन अगर दूसरे मोमिन से खुश रहता है तो ये भी अच्छी बात है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप हजरात अपनी मोहब्बतों का इजहार, जिस तरह से आपने मुझ पर निशावर किया अपनी मोहब्बतों का, उसी तरह से आप अपने आए हुए उस मेहमान खतीब, देखिए मैं उम्र में ज़रूर बड़ा हूँ लेकिन ये मनसब में मुझसे बहुत बड़े हैं। आप सोच सकते हैं कि ये आलिम दीन है, और आलिम दीन जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजर जाता है तो 40 दिन तक के लिए जो है अजाब उठा लिया जाता है कब्रों से। सोचिए कि आलिम का मर्तबा क्या है ना। तो जो आलिम दीन है उसकी मोहब्बत अपने दिलों में बसाएं, जो आलिम दीन है उसका एहतराम करें, जो आलिम दीन है उसकी इज्जत करें। इसलिए कि आलिम दीन की इज्जत करने वाला, आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला, सच्ची अकीदत और मोहब्बत करने वाला इंशाअल्लाह तबारक ताला जन्नत में जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला हमारे ऊपर फजल फरमाए, हमारे ऊपर रहम फरमाए, और तमाम उलमाए कराम का साया हम तमामी गुरबाए अहले सुन्नत पे कायम व दायम रखे। बस गुजारिश है कि आप हजरात मेरे जुमलों को रुसवा ना होने दीजिएगा, मेरी बातों को आप रुसवा ना होने दीजिएगा, इसलिए कि आपके दरमियान एक मुअज्जज मेहमान तशरीफ रखते हैं, और वो मेहमान जो भी होता है वो आपकी मोहब्बतों का ख्वाहिशमंद होता है, आपकी मोहब्बतें चाहता है। ये अच्छी बात नहीं होती है कि अगर मेहमान दस्तरखान पे बैठा रहे और मेज़बान उठ करके चला जाए, ये दस्तूर के ख़िलाफ़ है, उसूल के ख़िलाफ़ है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, मोहब्बताना गुजारिश है आप तमामी हजरात से कि आप हजरात बैठे रहें और अपने उस अजीम मेहमान से मुलाकात करें जिस मेहमान को आपको सुनना है। ज़रा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा कफील भाई से कि कुछ अशआर से नवाज दें, और मुमकिन है कि आप उनके अशआर सुनकर रुक जाएं और उसके बाद अपने मेहमान खतीब से मुलाकात की सआदत हासिल करें।